अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे पाव भाजी। पाव भाजी कैसी बनती है, सब जगह मिलती है, सब लोग आजकल बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वो तरीका आपको बताती हूँ। देखिए, इसके लिए मुझे चाहिए चॉप की हुई प्याज। दो बड़े प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, चार मीडियम साइज के टमाटर, एक बड़ा शिमला मिर्च और कोथमीर बारीक कटी हुई, बटर, और ये मैंने हल्दी नमक के साथ आलू, तीन चार आलू और फ्लावर, 100 ग्राम फ्लावर और 100 ग्राम मटर, इसको मैंने उबाल लिया है पानी में, नमक और हल्दी डालकर कुकर में उबाल लिया है। अब हम बनाएंगे पाव भाजी। बटर, ये मैंने तीन बड़े चम्मच बटर ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा तेल भी शामिल कर देंगे। प्याज में प्याज शामिल कर दूंगी थोड़ा, प्याज के साथ ही मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर लूंगी, अरे शिमला मिर्च भी शामिल कर लूंगी। प्याज और टमाटर के गलने के लिए इसमें मैंने आलू, फ्लावर और मटर जो बॉईल करने रखा था उसमें भी मैंने नमक और हल्दी डाला था। अब ये इसमें भी मैं नमक शामिल कर रही हूँ, तो नमक का ध्यान रखिए, आप कैसे नमक डालेंगे ये आप पर डिपेंड है। नमक डालने की वजह है कि इससे प्याज और टमाटर बहुत जल्दी अपना पानी छोड़कर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। थोड़े से प्याज मैंने रख लिए हैं बाद में ऊपर से गार्निश के लिए, और कोथमीर में थोड़ी देर के बाद डालूंगी। जैसे कि इसमें हमने हल्दी डाला था बॉईल करते समय, हल्दी डाला हुआ है, तो मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी थोड़ा सा लूंगी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच भर के, धनिया पाउडर एक आधा चम्मच, और ये चाट मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि एक कटोरा अखा धनिया, तो उसमें आधा कटोरा जीरा, पाव कटोरी काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा नाम के लिए अजवाइन एक चुटकी, या पाव चम्मच चाय का चम्मच अजवाइन, ये सब डालकर मैं इसका चाट मसाला बना के रख लेती हूँ। ये मुझे चने मसाले में, या अगर मैं रोल बनाती हूँ या कुछ चाट बनाती हूँ तो मुझे ये लगता ही है। ये चाट मसाला मैं घर में बनाती हूँ, इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, और इस सबको मैं मिक्स करके थोड़ा धनिया, अखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, जीरा, काली मिर्च, ये सब डाल के मैं भून लेती हूँ। भून कर फिर मैं इसको पीस लेती हूँ, और पीस के मेरे जार में भरा रहता है, 3-4 महीना 6 महीने तक ये भर कर रहता है। तो मेरे सब खानों में, जैसे कि जो भी चाट का बनता है ना, तो उसमें ये हमेशा मैं डालती हूँ। जैसे कि चना चाट हो गया, जैसे मैंने कोई रोल बना लिया, चाइनीज नहीं इंडियन रोल जैसे बनता है ना, तो वो बना लिया, नान चाप बना लिया, नान सैंडविच जो बनता है वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी, नान सैंडविच, और ये जैसे कि कुछ आलू की सब्जी वगैरह जैसे बनती है चाट में, या चना चाट बनता है, दही बड़े बनता है, तो ये सब चीज़ों में मैं ये शामिल करती हूँ। यकीन जानिए, घर का बना शुद्ध रहता है, कोई मिलावट नहीं होती है, तो बहुत ही बेहतरीन बनता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनता है। मैं आपको बताऊँगी एक बार एक ब्लॉग हम सिर्फ मसालों का रखेंगे, गरम मसाला और ये चाट मसाला, बिरयानी और पुलाव मसाला सिर्फ उसी का रखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मसाले बनाती हूँ। अब इसको अच्छी तरह सॉफ्ट होने देंगे, जब तक मैं इसे मैश कर लूंगी अच्छे से, ठीक है ना, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, इसको अच्छी तरह गलने देंगे। और ये देखिए, मैं इसको मैश कर रही हूँ अच्छी तरीके से, सिर्फ आधा चम्मच
अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा चम्मच। आधा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भुनेंगे। देखिए माशाल्लाह टमाटर और प्याज किस तरह से नरम हो रहे हैं। देखिए तरी छूट रही है, इसका पानी खुश्क हो रहा है, तरी छूट रही है। पाव भाजी, कई जगह में लोग पाव भाजी में एक्चुअली जो लाल लाल कलर करने के लिए बीटरूट को बॉईल करके उसे मैश करके डालते हैं, जिससे उसका रंग एकदम लाल होता है। और कोई लोग जैसे जैन पाव भाजी में गाजर ज़रूरी होता है, गाजर और कैबेज भी बहुत से लोग डालते हैं। और लेकिन नेचुरल जो पाव भाजी है, जो हमें पहले शुरुआत में जब हम पाव भाजी खाते थे, जैसे जैसे लोग खाते जाते हैं तो चीज़ों में एडिशनल करते जाते, थोड़े चेंजिंग करते जाते हैं। जैसे अभी तो चीज़ पाव भाजी भी आ गई है, तो पहले जब स्टार्टिंग से जो पाव भाजी बनती थी, जब मैं बनाती थी, जब बच्चे बहुत छोटे थे तब मैं बनाती थी, तब पाव भाजी की खाली यही इन्ग्रीडियंट्स थे, आलू, मटर और फ्लावर, ये तीन चीज़। इसको नमक हल्दी डाल के बॉईल कर लें और शिमला मिर्च टमाटर प्याज इसको मस्के में भून कर उसमें ये मसाले शामिल करके फिर इसे भी शामिल करके खूब अच्छी तरह से इसको मैश कर लें, और ऊपर से कोथमीर, नींबू का रस और बटर। बस ये है पाव भाजी की असलियत और यही है पाव भाजी। आपको इसमें गाजर और बीटरूट और कैबेज वो सब अपनी मर्जी से लोग एडिशन करते हैं, जिसका टेस्ट जिसको पसंद आता है उस हिसाब से। किसी को पसंद आता है ज़्यादा टेस्ट गाजर का, कोई चाहता है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ मिले, तो इट्स नो प्रॉब्लम, डाला जा सकता है। ये देखिए मैं सारे सूखे मसाले शामिल कर रही हूँ। ये देखिए ये मसाला खा लिए, फिर उसके थोड़ा सा पानी शामिल करें। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी, बटर की खुशबू और जो चाट मसाला मैंने जो घर में बनाया। आमचूर पाउडर डालती हूँ मैं उसमें, तो उसमें खटास रहती है। टमाटर हमने ज़्यादा लिया है उसकी खटास है, तो टेस्ट करें पहले आप, बनने के बाद एक चम्मच चख लें, अगर आपको खटास कम लगती है तो लेमन यूज़ करें। मैं इसमें लेमन यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट पूरा लेमन नहीं डालूँगी। किसी किसी को खट्टा कम अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो खट्टा जो है वो अपने हिसाब में बाद में चेक करके डालिए। क्योंकि जैसे मैंने टमाटर डाला है, जो मैंने चाट मसाला डाला है, तो उसमें क्या है ना कि वो पूरा कंप्लीट एक टेस्ट हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती खट्टे की। बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं नहीं खाते हैं नींबू डालकर, लेकिन बच्चे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं लेमन जूस, और बच्चे खाते हैं तो मैं साइड में रखती हूँ, तो मैं आपको डिश आउट करके बताऊँगा। ये देखिए अभी मैं इसमें शामिल करने लगी, बाहर मार्केट में जो मिलता है उसमें वो लोग रेड कलर का है ना पानी बना के रखते हैं, एक इसमें सॉस की जो बॉटल जैसी आती है ना, उसमें वो पानी इसमें छिड़क देते हैं, तो वो क्या होता है ना, जैसे शेजवान फ्राइड राइस है, पाव भाजी है और करीज है, वो लाल लाल रंग की दिखती है एकदम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कभी भी किसी खाने में कोई कलर यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमें इतना लाल रंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेस्ट में तो मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे घर में कोई भी पाव भाजी बाहर खाने नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाते, सब घर में ही खाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा कोथमीर पुदीना स्प्रिंकल कर दूंगी, देखिए। और जो बाहर का रेडी मसाला मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेज में प्लीज़ गर्म मसाला ना डालिए। जिसको पसंद है वो डालते हैं, मुझे तो सुनकर ही अजीब लगता है कि लोग कैसे डालते हैं। मैं रेडीमेड मसाला इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए अब इसको घोटते जाएंगे इस तरह से, एकदम कोथमीर का टेस्ट, आलू का टेस्ट, मटर का टेस्ट, फ्लावर का, शिमला मिर्च का, टमाटर का, प्याज का, और जो मसाले मैंने शामिल किए सब एक जान हो जाएंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा और पतला करना है तो
वो थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं। जिसमें मैंने ये उबाल कर रखा था आलू, उसका थोड़ा सा पानी, एक आधा कप। मस्के में भी नमक होता है, नमक वाला मस्का होता है, तो उसका भी नमक इसमें शामिल हो जाता है। इसे थोड़ा और बटर में शामिल कर दूंगी। देखिए मस्का डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अभी मैं और मस्का डालूंगी थोड़ा, जब हम खाने लगेंगे ना तो उसमें भी मुझे मस्का लगेगा। मतलब मुझे पाव किलो तक के तो मस्का लगेगा। अगर पाव भाजी एकदम बेहतरीन बनाना है, खूब अच्छा स्वाद रखना है, तो मस्का जीभ भर के डालें। अब इसको आपको चीज पाव भाजी बनाना है तो जब आप सर्व करते हैं प्लेट में तो आप इसमें चीज ये करके डाल दीजिए, तो चीज पाव भाजी बन जाएगा। बाकी पाव भाजी की मेन रेसिपी यही है। आप चाहे तो गाजर बॉईल करते समय गाजर डाल दीजिए, कैबेज डाल दीजिए और उसको मैश कर लीजिए। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं। मगर मेरे घर में बच्चे उन सब एडिशन के बाद टेस्ट को पकड़ लेते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ और मिला है, हम दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों से अच्छी तरह से शेयर की जाए। मैं इसे कवर कर दूंगी एक 5 से 10 मिनट के लिए, उसे धीमी आंच में पकने दूंगी। ये दम पे अच्छी तरह से और बन जाएगी। फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए अब 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, ये देखिए माशाल्लाह अभी रेडी हो गया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। अब इसे उतारने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी ऊपर से, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। ये केच का चाट मसाला मेरे पास रखा हुआ है अलग से। इसमें मैंने पाव भाजी का मसाला थोड़ा लगा लिया है और बटर लगा लिया है, और ये ब्रेड को मैं सेक लूंगी। अब देखिए मैंने इसको भी डिश आउट कर लिया है, इसमें भी बटर डाल दिया है। दिल खोल के बटर यूज़ कीजिए, तभी पाव भाजी में मज़ा आएगा। और साथ में मैंने इसमें कटे हुए कांदे और कोथमीर नींबू ये भी साथ में रख लिया है। आप भी इसको बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका स्वाद कैसे लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।